अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मलिक अनीस और आप देख रहे हैं एएस क्रिएशन वन। तो आज मेरे पास कुछ इस टाइप की सिंपल फ़ोटो थी, ये जो आप देख सकते हैं, इसको मैंने कुछ इस तरीके से एडिट किया है। तो गाइस आप देख सकते हैं कितनी अमेजिंग कलर ग्रेडिंग हुई हुई है, बिल्कुल येलो टोन उसके ऊपर ऐड हुई है। आप यहाँ से लाइटरूम से अपना प्रीसेट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइज़ आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और मैं आपको यहाँ से स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो बिना टाइम ज़ाय किए गाइज चलते हैं वीडियो की जानिब। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले गाइज आपने अपने लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और पिक्चर इंपोर्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको गाइज लाइट पर क्लिक करना है और कंट्रास्ट को 22 के अराउंड अबाउट बढ़ा देना और हाईलाइट्स को माइनर सा, शेडो को डिक्रीज करके और व्हाइट्स और ब्लैक्स को भी आपने डिक्रीज कर देना है। फिर देन गाइज आपने कलर पे जाना, कलर के वाइब्रेंस को 50 कर दें और मिक्स टूल पे जाएं, रेड टोन की आप लोगों को हुई को माइनस कर देना, सेचुरेशन को इंक्रीज कर देना। नेक्स्ट कलर में गाइज आपको सेचुरेशन को माइनस करके और ल्यूमिनेंस को इंक्रीज कर देना, जिससे फेस कलर बिल्कुल ब्राइट हो रहा है, आप देख सकते हैं। इसके बाद गाइज आप लोगों को येलो कलर पे चले जाना है, येलो कलर की सेचुरेशन को आप लोग फुल इंक्रीज कर दें और हुई को लाइट सा माइनस कर दें। उसके बाद गाइज आप ग्रीन कलर की सेचुरेशन को भी इंक्रीज कर दें और ल्यूमिनेंस को हल्का सा बढ़ा दें 10 to 20। उसके बाद फ्रेंड्स आपने स्काई ब्लू कलर पे जाना है, उसकी आप लोगों ने सेचुरेशन को 100 पे या 89 पे कर देना है। तो गाइस नेक्स्ट कलर की सेचुरेशन को आपने इंक्रीज कर देना है और ल्यूमिनेंस को माइनस कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों ने डन पे क्लिक करना है और उसके बाद कर इफेक्ट्स में आना है और क्लियरिटी को हल्का सा बढ़ा दें और वेजनेट को हल्का सा कम कर दें। वेजनेट को कम करने के बाद गाइज आप लोग देख सकते हैं आपको फिदर नजर आएगा, इसको आप 44 के राउंड अबाउट डिक्रीज कर दें। उसके बाद स्टॉप, गाइज आपकी एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर का व्यू दिखा देता हूँ, ये बिफोर और ये आफ्टर। आप देख सकते हैं यहाँ से कितनी अच्छी बिल्कुल लुक आ चुकी है, मॉडल पे भी, मॉडल के हेयर्स पे भी, और उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं इसके क्लॉथ पे भी बिल्कुल अच्छा अच्छा इफेक्ट आ चुका है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ से ये देख सकते हैं आप इसके क्लॉथ, हेयर्स, बैकग्राउंड्स, बिफोर एंड देन आफ्टर। गाइज आप देख सकते हैं कि हर एंगल से बैकग्राउंड पे कलर ऐड हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं बिफोर एंड देन आफ्टर। और यहाँ से अगर आप इसकी विजनेट को और कम कर दें, ये जिस तरह के आपकी यानी कि एडजस्टमेंट आपने अपने मुताबिक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से विजनेट को कम करेंगे तो साइडों पे ना ब्लैक ब्लैक इफेक्ट पड़ता है और बहुत ही कूल लगता है ये बिफोर और देन आफ्टर। गाइज एडिटिंग तो होगी हमारी कंप्लीट, लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको करना सिर्फ ये है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो गाइज हमें दीजिए इजाज़त, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगर तुम्हें भी इस वैलेंटाइन लड़की चाहिए तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर जितनी हवस निकालनी है उतनी हवस निकालो, मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं यार, कुछ उखाड़ लें यार जिंदगी में, कुछ कर ले हैं, बाय।